मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे। और टेरेस पे क्योंकि मैंने कल बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो वो सारे कपड़े मुझे मैंने रूम में डाले हुए थे, तो वो मैंने रूम से निकाल करके अग्नि में फैला दिए हैं। क्योंकि ये कपड़े पता नहीं आज भी सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, क्योंकि मौसम तो आज भी ख़राब है। पर हाँ, क्योंकि मशीन में ड्राई हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इनको धूप लगनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 2-3 दिन में सूख जाएंगे। कोई बात नहीं, पर ये कपड़े तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, और डालने के बाद कर लेती हूँ थोड़ी सफाई वगैरह। तो देखिए पूरे में कितने कपड़े भरे पड़े हैं, ये कल मैंने सारे धुले हुए थे और आज मैंने सारे यहाँ पर फैलाए हैं। कल भी फैलाए थे पर ये सूखे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सूखने में। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने फैला करके अब मैंने साफ़ सफाई कर ली है मैंने, क्योंकि यहाँ पर अक्सर पत्तियाँ बहुत सारी हो जाती हैं और हर दिन पत्तियाँ झड़ती हैं विंटर्स में, क्योंकि काफ़ी पौधे जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से पत्तियाँ गिराते हैं। तो बस यहाँ की कर लेती हूँ मैं साफ़ सफाई, और साफ़ सफाई करने के बाद जब मेरा ये टेरेस का फ्लोर साफ़ हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक रूम है, लैट्रिन बाथरूम है, तो मैं इस रूम की और बालकनी की सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे पूरे दोनों साइड में मेरे मतलब बालकनी भी आगे भी पौधे रखे हैं और पीछे भी पौधे रखे हुए हैं, तो मुझे इसका ध्यान देना पड़ता है। तो मैं हमेशा हर दिन आकर सबसे पहले 3-2-1 की सीरीज़ में ही साफ़ करती हूँ। पहले थर्ड पे मतलब पहले ऊपर जाती हूँ, फिर नीचे, ऐसे करके मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। और फिर हमारा कूड़े वाला भी, सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता तो एक साथ ही हम कूड़े को दे देते हैं। तो मेरा यहाँ का साफ़ सफाई हो गई, अब मैं जाती हूँ अपनी हाय बैल्कनी में। एवरीबॉडी, मॉर्निंग हो गई और देखिए मॉर्निंग में काम की हो गई शुरुआत। काम का भंडारी भंडार होता है। और बस आपको पता है कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे तो वो कपड़े सूख नहीं पाए, क्योंकि मशीन में ड्राई करने पे कितने कपड़े सूखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा लगा हुआ भंडार का, ये कपड़े कम है आपको पता है, वैसे मेरे हिसाब से ये कपड़े कम है, वरना इससे ज़्यादा कपड़े होते हैं, क्योंकि सुखाने का भी तो जगह चाहिए ना। चारों तरफ तो देखिए मैंने भर रखा है, तो सुखाने का भी जगह चाहिए। तो ठीक है, पर यह है मशीन में जितने भी कपड़े थे वो धो दिए मैंने, प्लस अपने नहाने धोने के जो कपड़े थे वो धो दिए। और ये देखिए मेरी बालकनी में ये जो हिबिस्कस है ना, ये गुड़हल जिसे बोलते हैं, इसमें देखिए कितने कितने छोटे छोटे फ्लावर्स हो गए हैं। विंटर्स में ना वो ये फ्लावर्स छोटे हो जाते हैं, मतलब हम जैसे सिकुड़ जाते हैं ये भी सिकुड़ जाते हैं। तो बस मैं थोड़ी सी बालकनी चेक करने आई हूँ अपनी, कल मैंने साफ़ की थी, पर पत्ते तो देखिए डेली गिरते हैं पत्ते, डेली मैं यहाँ के पत्ते निकालती हूँ। और यहाँ पर इसके रोज़ेस भी जो है आ तो गए हैं, पर लग रहा है इनको भी विंटर्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। और कुछ पौधे मैंने यहाँ पर लगाए हैं यहाँ पर, और ये भी देखिए कैसा हो गया है सब विंटर्स में ना इन सब की हालत। तो मैं बस कुछ ना कुछ तो करूँगी। और ये मैंने बॉटल ना कबाड़ी वाले से ली थी, क्योंकि ये बॉटल जो है कबाड़ी वाले से ली थी मैंने, और बस इसमें थोड़ा लगाऊंगी मनी प्लांट्स, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे इस तरह के, और लुक भी अच्छा लग रहा था इस बॉटल का, तो मैंने ले लिया था। और ये देखिए बस मैं इसमें पानी भर के लगाऊंगी ना, तो आई होप तो अच्छा लगेगा। तो कुछ ना कुछ तो ऊपर आई हूँ तो करती ही रहूँगी, ये तो मेरी आदत है। अब आ गई हूँ अपने 2 नंबर पे, यानी आपके फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बहुत सारे कपड़े कल के भी फैले हुए थे, और रात में जो हमने शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाए थे वो कपड़े भी मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और सब लोग ने नहा धो लिया है, तो सब ने अपने चेंज कर लिए हैं कपड़े, तो वो भी ज़्यादा हो चुके हैं। और बस ब्लैंकेट वगैरह ठीक कर लेती हूँ। और अभी के पापा आ गए हैं और मैंने इनसे मशीन रखवाई है, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे कुछ नया बनाना है, तो उन्होंने थोड़ी सी हेल्प कर दी मशीन उठाने में। और हम लोग यहाँ खा रहे हैं लंच के बाद थोड़े से फ्रूट, क्योंकि थोड़ा सा फ्रूट भी डेली डेली ज़रूरी होता है, तो सब लोगों का टाइम होता है थोड़ा फ्रूट खाने का डेली का, तो हम लोग ज़रूर फ्रूट्स खाते हैं, चाहे वो कोई भी फ्रूट्स हो। और फ्रूट्स करने के बाद अब मैं अपना उठाऊँगी सामान और स्टार्ट। हाय एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ करने जा रही हूँ, समथिंग न्यू, कुछ क्रिएटिविटी टाइप की, क्योंकि मुझे पसंद भी है क्रिएटिविटी। तो मैंने जैसा कि आपको एक पहले भी व्लॉग में दिखाया था, तो ये नेट की साड़ी है और आज मैं इसे कुछ बनाने वाली हूँ। और मैं इसे बनाने वाली हूँ नेट के कर्टन्स, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी और फिर लगा के दिखाऊंगी कि कैसे अच्छे लगते हैं। और साथ में मेरे पास कुछ और भी है और ये है अविष्का की स्कर्ट, और ये भी है अविष्का का एक मिडी टॉप, मिडी टाइप का है, इट्स मिडी टाइप।
तो ये अविष्का का मिडी टाइप है, इससे भी मैं कुछ करूँगी। और तो कुछ एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। और ये एक मैंने बनाया था बहुत पहले, ये जो है ना, ये मोस्टली लोगों को आता है ये बनाने का, पर ये बीच में कुछ रह गया था तो मैं सोच रही हूँ इसको भी आज फिल कर देती हूँ, और अगर टाइम मिलेगा तो इसको भी फिल कर दूँगी, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने कर दी है मशीन स्टार्ट और फटाफट स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। जो इतना मैंने सोचा है उतना तो काम हो ही जाए, क्योंकि अविष्का का रूम मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी कम से कम 5 से 6 बजे तक तैयार हो जाए। अविष्का के रूम में ही सारे चेंजेस मुझे करने हैं और वही रूम मैं आपको रेनोवेट करके दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उस रूम में मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ के लिए ही कुछ तैयार करती हूँ, साथ साथ मैं अविष्का की हेल्प भी लेती जा रही हूँ। अविष्का मेरी हेल्प कर रही है और तो इससे थोड़ा काम ईजी हो जाता है और अविष्का को भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं। और बस मेरे कर्टन हो गए हैं तैयार और मैंने यहाँ पर रूम में सेट कर दिए हैं, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि रूम का लुक कैसा लग रहा है। क्योंकि हो गया, क्योंकि शाम का टाइम है और कुछ होना चाहिए, तो मैंने बना ली है आलू और बना दी है पूड़ियाँ। आलू की पूड़ियाँ विंटर्स में बहुत अच्छी लगती है। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस आपसे आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने दिन भर बहुत मेहनत की है, कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से आज मैंने बहुत बड़े काम किए हैं। और तो चलिए चलते हैं अविष्का के रूम में, अविष्का का रूम जो है वो देखते हैं। तो अविष्का का तो पहले कर्टन, इसको ड्रैग कर दूँ। देखिए अविष्का का रूम में मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए वो साड़ी का ये कर्टन जो मैंने अविष्का के रूम में लगाया है, और मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और कॉर्नर पे एक टॉय भी लगाया है अविष्का के रूम में, ताकि वो लुक लगे कि एक किसी बच्चे का रूम है। साथ में यहाँ पर मैंने जो बॉटल खरीदी थी, वो जो जंग डीलर होते हैं उनसे, और साथ में उनमें कुछ मनी प्लांट्स लगाए हैं, तो ये लुक रूम का कुछ थोड़ा सा अच्छा कर रहा है और थोड़ा पीस देता है रूम में, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला पोर्शन, तो मैंने ये भी डेकोरेट किया है। साथ में यहाँ पर देखिए, ये मैंने कुछ अविष्का की जो स्कर्ट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई थी उससे कुछ पिलोज बनाई हैं, छोटी वाली पिलोज, मिनी पिलोज बनाई हैं, और वो मैंने यहाँ पर डेकोर की है, तो ये थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट लुक आ गया। और ये एक स्टिकर लगा रखा है मैंने अविष्का के रूम में। और ये कॉर्नर का पोर्शन जहाँ पर मैंने जो है वो कुछ लेडीज़ यहाँ पर मैंने सजा रखी हैं, और साथ में कुछ बॉल्स वगैरह डाल के जो मनी प्लांट्स का डेकोर किया है, ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और नीचे इसके कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं, तो ये पोर्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी पीस देता है माइंड को। तो फाइनली ये मैंने अविष्का के लिए रूम तैयार किया है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी रूम में चेंज हो गया है और कर्टन का लुक बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि मरून के साथ काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। और अविष्का के रूम में ऊपर देखिए हमने फॉल सीलिंग बनवा रखी है, तो फॉल सीलिंग में ब्लू लाइट्स लगवा रखी हैं, और जब हम इन लाइट्स को यहाँ पर ऑफ़ करते हैं तो ये ब्लू लाइट्स का जो लुक है ना, काफ़ी अच्छा देता है रूम को ये लुक, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने रेड लाइट और ये ब्लू लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, रूम को काफ़ी अच्छा लुक देता है। इसकी जो सीलिंग है ना, फॉल सीलिंग की, काफ़ी अच्छा लुक आती है यहाँ पर देती है। तो नाइट बल्ब भी लगा रखा है, तो ये काफ़ी मुझे बहुत प्यारा लगता है। और रूम का कलर तो अविष्का के रूम के अकॉर्डिंग ही है, जो लाइट और डार्क येलो में है। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अविष्का इज़ वेरी हैप्पी नाउ कि मम्मा आपने मेरे रूम का कुछ चेंज किया है। तो फिर बस इस तरह से देखते रहिए, और भी मेरे बहुत सारे रेनोवेशन पेंडिंग हैं जो मैंने अभी तक नहीं किए हैं, पर मैं अभी करूँगी। और क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने, क्योंकि आज तो मुझे शाम हो गई पूरा ये सब करने में, बस फिर कुछ और भी चेंजेस मैं आपको बताऊंगी। बस मेरा वीडियो देखते रहिए और बिंदु द्विवेदी लाइफस्टाइल वीलॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और
जैसे कि हम कुछ पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाते हैं, तो मुझे बड़ा पसंद है। तो इस तरह की नई नई चीज़ें मैं डालती रहूँगी जब भी मुझे समय मिलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, और बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट।